सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, सब लोग अंदर जा चुके हैं। वहाँ से इशरत हाई कर रही है और मैं अभी विला टूर स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, बिल्कुल बने रहना वीडियो में। चलो विला के अंदर चलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो सब में पहले जो चीज़ मुझे दिखेंगी वो है स्विमिंग पूल। तो ये है स्विमिंग पूल, ये बहुत हाइटेड है। और ये कॉफ़ी दी जा रही है मुझे, बट थोड़ी देर बाद पीऊँगा मैं। थोड़ा दो मिनट अम्मी के पास रख दो ना। तो ये स्विमिंग पूल है, आप इसकी हाइट देख सकते हो, मैं इधर से दिखा रहा हूँ। हाइट बहुत ज़्यादा है, ये बच्चे लोग के लिए अलग सेक्शन है। हाइट बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको अभी बोलेंगे, ये जो बंगलों को मैनेज करता है उनको बोलेंगे कि पानी थोड़ा कम कर दे। देन ये हॉल है विला, विला का ये हॉल है राइट। सब लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, आप देख सकते हो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पर सब लोग बैठे हैं। रिश्ते के साथ यहाँ पे एक बाथरूम है, छोटा सा एक कॉमन बाथरूम है। यहाँ पे कॉमन बाथरूम के बाद यहाँ पे डाइनिंग टेबल है एंड देन वहाँ बैठो ना उधर। यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है और ये किचन है, विला का किचन है। एंड यहाँ पे और ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है। सो ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है, बेडरूम है एंड देन यहाँ पे वॉशरूम है। तो आप वॉशरूम देख सकते हो यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बेडरूम दिखा दिया, वॉशरूम दिखा दिया, किचन दिखा दिया। अभी मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। ये टोटल 5 बेडरूम का विला है ये फ्रेंड्स। और यहाँ पे इशरत है, चलो टूर करने बंगलों का। सो फ्रेंड्स, ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। सो यहाँ पे ना स्टोर रूम है, स्टार केस के फ्रंट में स्टोर रूम है। एंड सबसे पहले राइट साइड में जाता तो एक बेडरूम मिलता है मुझे। तो ये एक बेडरूम हो गया, अच्छा स्पेशियस है। फिर इधर ही वही सेम बाथरूम यहाँ पे भी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे एक गैलरी है, ये गैलरी में ये झूला रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। और ये कुछ बाहर का व्यू है, इधर से फर्स्ट बेडरूम से ये बाहर का व्यू है। बहुत ही अच्छा है, शानदार लग रहा है, मुझे मज़ा आ रही है। एंड मैं जाता हूँ यहाँ से फिर लेफ्ट साइड में जो बेडरूम है वहाँ पे। फिर लेफ्ट साइड का बेडरूम भी स्पेशियस है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। बेड देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे भी स्पेशियस गैलरी प्रेजेंट है। तो इस गैलरी में भी ये झूला लगा हुआ है, फुल इंजॉय करने वाले। अभी नाश्ता पानी चल रहा है नीचे, इसके लिए वो लोग रुके हुए। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से ये देखिए, ये बेडरूम का व्यू है लेफ्ट साइड वाला। एंड ये शर्ट के रेडी वहाँ पे रुके हुए, कब मुझे पुल में जाने का मौका मिलता है। यहाँ पे रुके हुए, यहाँ से मैं जाता हूँ। यहाँ पे भी देखो एक वॉशरूम है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी स्पेशियस है, गीजर लगा हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे वॉश बेसन है। तो ये क्लोज करके जा रहे सेकंड फ्लोर पे, ये उसका स्टेयर केस है। इसी में यहाँ पे ऊपर जाता हूँ, राइट साइड में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ ये बड़ा बेडरूम है। यहाँ पे अराउंड 4 बेड्स अवेलेबल है, ये देखिए। तो बॉयज़ लोग ज़्यादा है ना, बॉयज़ लोग, तो बॉयज़ लोग यहाँ ही रुकने वाले हैं फ्रेंड्स। एसी चालू है, डिज़ाइन आप देख सकते हो रूम की, बहुत अच्छी डिज़ाइन है, ये देखिए। और यहाँ का व्यू, फ्रंट व्यू आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप खड़े हो जाओ ठीक है। एंड इधर से व्यूज़ देख लो। मान लो अगर अभी बारिश हो रही है तो माउंटेन्स में से जो वाटरफॉल आएंगे ना यहाँ पे, क्या ब्यूटीफुल व्यू रहेगा, ये देखिए आप खुद ही देख सकते हो मतलब। एंड बैक साइड में अगर आपको व्यू दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे बंगलोज है। तो ये बैक साइड का व्यू है, यहाँ पे बंगलोज है। एंड यहाँ पे पीछे भी साइड में एक बंगलो है। तो ये राइट साइड में कुछ है नहीं स्पेशली, नीचे कुछ नहीं है। तो मास्टर बाथरूम नहीं है, बाथरूम के लिए आपको जाना पड़ेगा टेरिस की तरफ। तो मैं अगर सीढ़ी से लेफ्ट साइड में जाऊँ तो यहाँ पे आ जाती है टेरिस। तो ये टेरिस और ये बाथरूम यहाँ पे है, मैं बॉयज़ लोग ये बाथरूम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड ये टेरिस है। फिलहाल धूप बहुत है तो मुझे चटके पड़े पाऊँ मैं, बहुत धूप है। तो टेरिस का भी व्यू आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वो व्यू है। तो सामने माउंटेन है ना, वीडियो में बहुत वो दूर लग रहा है, बट रियल में अगर मैं देखूं मेरी
आइस से तो ये बहुत मुझे करीब दिख रहा माउंटेन, और यहाँ पे अगर बारिश हो रही तो वाटरफॉल भी मस्त आएंगे। स्विमिंग पूल में सब लोग जा चुके हैं फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स, थर्ड फ्लोर पे एक बेडरूम है और यहाँ पे तीन बेडरूम है, एक मिडल में है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, राइट लेफ्ट में गैलरी भी दी गई है, वहाँ पे झूला लगाया गया है। एंड ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर में और एक बेडरूम है, वहाँ पे किचन है एंड हॉल है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दे दिया विला का टूर, आपको बताना विला कैसा लगा। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा अगर आपको किसी को विजिट करना है, ये लोकेशन पे आना है। बट आपके पास कार है, आपने बस किया तो आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। सो चलते अभी नीचे है, बिकॉज नीचे नाश्ता पानी चल रहा है, मैंने नहीं किया अभी तक, तो मैं भी कुछ कर लेता हूँ एंड देन फिर इन्जॉय करना स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो बने रहना हमारे चैनल पे, स्किप मत करना, बहुत इन्जॉय करने वाले सब लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि मेरा व्लॉग खा लिए, क्यों खाया मैंने, लेकिन क्या हमारा विला टूर देने का है तो दे दो ना, उसमें क्या हो गया, अगर दोनों जगह भी गया तो क्या इशू है। नहीं नहीं समझदारी की बात यह है कि आप लोग पहले डाल दो, हम लोग बाद में डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके ओके फाइन, यहाँ पे सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। क्या हो गए नहीं अभी तक स्विमिंग पूल में, मारो उड़ी, रेडी हो गया क्या, दशम से फर्स्ट डुबकी लग रही है स्विमिंग पूल में, ईशर्ट के डैडी डुबकी मारे, मारो, लेट्स स्टार्ट। पिज्जा का वेट हो रहा है, पिज्जा अभी आके उसका भी व्लॉग स्टार्ट करने वाली है। साफ करने पा रहे पर वो आ रहा है क्या, थोड़ा गंदगी है पूल में अवेलेबल, तो वो साफ करने जा रहे, अभी आ रहे साफ करने के लिए, क्लीन कर देंगे पूल को। पूल की हाइट बहुत है ना, हाइट है तो उसको पानी कम नहीं करने बोल सकते, अपने घर वाले कैसे उतरेंगे, वो साइड है वो घर वालों के लिए नहीं, वो तो बच्चे लोग के लिए। अभी शास को लिया गया फ्रेंड्स, शास डुबकी मार, मार डुबकी, और पहली डुबकी शास ने ही मार दिया है, ये देखिए शास, ए पप्पू एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, पहली टाइम डर रहा था उधर गौशे के। अभी बिंदा सब जगह जाता है, सब चीजें घसीटते रहता है। तो शास की पहली डुबकी हो गई, यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी तक, तो अच्छा ही लग रहा है, अभी रहा साफ हो रहा है, बस अभी रुके जम करने के लिए, रेडी रेडी गाइस। और पहली जो डुबकी है वो होने वाली अभी जस्ट फ्यू सेकेंड्स में। सो फ्रेंड्स, ये था विला का टूर, मैंने कोशिश की जितने अच्छे से हो सके मेरे से मैं आपको बता दूं विला का टूर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए हमसे। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखने वाले इशरत के रेडी ने फर्स्ट डुबकी लगाई स्विमिंग पूल में, और हम सब उतरने वाले हैं, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। सो हमारे नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, बाय एवरीवन।